एवं स्वास्थ्य अधिकारी विभाग में बतौर CMHO के पद पर डॉक्टर प्रवीण जाडिया ने दोबारा पद ग्रहण किया। गौरतलब है कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने एक बैठक में डॉक्टर जाडिया को काम में लापरवाही बरतने का जमकर लताड़ लगाई थी। उसी दौरान डॉक्टर जाडिया की तबीयत खराब हो गई थी और एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। आज पूरी तरह से ठीक होने के बाद दोबारा चार्ज लिया है। इस दौरान जाडिया ने कहा कि अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनकी पहली प्राथमिकता अस्पतालों में समुचित दवाइयों का प्रबंध करना है, सीएम हेल्पलाइंस में लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करना और साथ ही सहकारी योजनाओं का लाभ निम्न वर्ग को मिल सके, यह प्राथमिकता रहेगी। दोबारा पदभार ग्रहण किया है, क्या आपकी प्राथमिकता है, किस तरह से क्रियान्वयन होगा? देखिए, अस्वस्थता के पश्चात आज मैं तुम्हें आपकी शुभकामनाओं से स्वस्थ होकर तुम्हें पदभार संभाला है। प्राथमिकता का जहाँ तक सवाल है तो इस वक्त कलेक्टर महोदय का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो प्राथमिकता है वो CM हेल्पलाइन पे लंबित जितने भी प्रकरण हैं उनका निराकरण करना है। खासतौर पर ऐसी योजनाएँ जो निम्न वर्ग के लोगों को उनको आर्थिक लाभ पहुँचाती हैं और उनके लंबित रहने के कारण उन्हें कष्ट हो रहा है, उन्हें तकलीफ हो रही है, ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता से देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि वो किस वजह से लंबित रहे हैं। अधिक लंबे समय से लंबित प्रकरणों में उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करना और उन्हें तत्काल निराकृत करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अतिरिक्त अन्य जो स्वास्थ्य सुविधाएँ चल रही हैं, चाहे उसमें कोरोना की वैक्सीन हो, चाहे वो कोरोना की जाँच हो या अन्य तरह की मौसमी बीमारियों से लेके अन्य किसी भी तरह की बीमारियों की जांच और दवाइयों की उपलब्धता हो, इन चीज़ों को प्राथमिकता से समस्त उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर हमारे जो सिविल हॉस्पिटल है या जिला अस्पताल है उस स्तर तक उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता रहेगी।